आप मुख्यमंत्री हैं और हम चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, तो सवाल तो मैं मुख्यमंत्री से ही करूंगा। मैं चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूं, खासतौर से एनडीए के खिलाफ जो कैंडिडेट आपने लड़ाया था उसको मैं चुनाव हराकर जीत के आया हूं सदन में। आप स्वयं चुनाव नहीं लड़े, बिहार की जनता पे भरोसा होता 17 सालों से चुनाव आप लड़ना बंद कर चुके हैं, और इतना ही लगता है कि बहुत अच्छा काम करते हैं तो अपने पसंद का इलाका चुन करके चुनाव लड़ना चाहिए आने वाले चुनाव में। आपके नीतियों से बिहार के किसान बर्बाद हो चुके हैं। नमस्कार, देख रहे स्टेज में आपके साथ प्रेमराज सुधाकर सिंह। लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर हमलावर दिखते थे, उनकी नीतियों को गिनाते रहते थे, और कहीं ना कहीं सुधाकर सिंह कहते थे कि किसानों के हित में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई कार्य नहीं किए हैं। अब इसी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बयान दे दिया था कि जो हमारे ऊपर बोल रहे हैं वो किसी एक पार्टी का नेता हो सकते हैं, जनप्रतिनिधि नहीं हो सकते हैं। अब इसी पे सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा हमला बोल दिया और साफ तौर पे कह रहे हैं सुधाकर सिंह कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 17 साल से चुनाव नहीं लड़े हैं। अगर उनको इतना ही विश्वास है तो वो कोई एक क्षेत्र चुनकर चुनाव लड़ लें, उनको पता चल जाएगा कि कौन जनप्रतिनिधि है, क्या कुछ कर रहे हैं। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बयान दिया गया कि बिहार में कृषि क्षेत्र के बारे में, कृषि क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है, किसी को पता है क्या? आप सभी जानते हैं कि आपके जो सरकारी जो आंकड़े, विभागीय आंकड़े हैं, उस आंकड़े में आपने विश्वास दिलाया था बिहार की जनता को कि कृषि रोड मैप 2 और 3 में 3 लाख करोड़ खर्च करने के बाद उत्पादन 2 गुना होगा एवं किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी। 10 साल के बाद भी आपके जो विभागीय आंकड़े और सरकारी आंकड़े हैं वो कहते हैं किसानों की ना आय बढ़ी। मेरा तो आप मानना है कि किसानों की आय नकारात्मक हुआ है, सकारात्मक की जगह नकारात्मक हुआ है आपकी नीतियों से। उत्पादन भी 1 लाख टन घटा है 10 सालों में, लेकिन आप मुख्यमंत्री हैं और हम चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, तो सवाल तो मैं मुख्यमंत्री से ही करूंगा। आपको क्यों पीड़ा होती है बिहार की जनता को सवाल का जवाब देने में? आप जवाब की जगह नए सवाल उठा रहे हैं कि बयान देने से आप पार्टी के नेता हो सकते हैं, जनता के नेता नहीं हो सकते। इससे बड़ा आश्चर्यजनक क्या होगा? मैं चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूँ, खासतौर से एनडीए के खिलाफ जो कैंडिडेट आपने लड़ाया था उसको मैं चुनाव हराकर जीत के आया हूँ सदन में। आप स्वयं चुनाव नहीं लड़ते, आपको तो बिहार की जनता पे भरोसा होता तो 17 सालों से चुनाव आप लड़ना बंद कर चुके हैं, और इतना ही लगता है कि बहुत अच्छा आप काम करते हैं तो अपने पसंद का इलाका चुन करके चुनाव लड़ना चाहिए आने वाले चुनाव में, जिससे पता तो चल सके कि आपके जो नीतियों पे आप चल रहे हैं, बिहार को विकास का जो झांसा देने का काम कर रहे हैं उससे लोगों को पता चल सके। मुख्यमंत्री जी, कौन ऐसा मेरा सवाल है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा? कृषि क्षेत्र में कोई भी अगर आपकी उपलब्धि हो तो उसको बताने में आपको हर्ज क्या है? नहीं तो मैंने कहा भी कि कृषि रोड मैप 2-3 की जांच करवा ली जाए कि क्या प्रगति है उस पर, लेकिन आज तक कोई भी विभागीय कार्रवाई कृषि विभाग के द्वारा और आपके स्तर पर नहीं किया गया। आप 4थे कृषि रोड मैप की बात की चर्चा करने लगे, कोई बात नहीं, आप मुख्यमंत्री हैं, आपका अधिकार है आप 4था कृषि रोड मैप लाने के लिए, लेकिन यह बात को स्वीकार कर लेना चाहिए मुख्यमंत्री जी कि आपके नीतियों से बिहार के किसान बर्बाद हो चुके हैं। बिहार में आपके पास कोई नीति स्पष्ट नहीं है। आप बिहार विधानसभा में मेरे द्वारा पेश किया गया कृषि बिल, मंडी कानून, निजी विधेयक पिछले सत्र में आपने चर्चा नहीं होने दिया। मैं तो आमंत्रित करता हूं स्वस्थ बहस के लिए। तो अभी आप पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को देख रहे थे कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुली चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी एक जो क्षेत्र है वो क्षेत्र चुनकर चुनाव लड़ जाएं, उसके बाद उनको पता चल जाएगा कि कौन कितना जनप्रतिनिधि है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुद भरोसा नहीं है, इसीलिए वो चुनाव नहीं लड़ते हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव सिटी के साथ। लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।